चलिए आज एक और नए स्टूडेंट से मिलवाता हूँ। नाम है नमित कपूर, ऑल इंडिया 233 रैंक, और नमित को एनआईटी कैलीकट मिला है। और नमित दिल्ली के हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी से इन्होंने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के साथ ही इनको ये रैंक मिली। तो नमित, सबसे पहले आपको इस रैंक के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, एनआईटी कैलीकट के लिए भी। थैंक यू सो मच सर। मैं सबसे पहले तो इम्पीटस की पूरी फैमिली को थैंक यू बोलना चाहूंगा। सर आप, प्रतीक सर, इम्पीटस का सपोर्ट सर, मतलब बहुत हेल्प करी लॉकडाउन के पीरियड में भी, मतलब पूरा टच में हम लोग थे और हमारे को कोई दिक्कत नहीं है क्लास लेने में भी। इवन सर आप भी सबको बताते हैं, मतलब एक दिन भी हमारी क्लास बंद नहीं हुई। तो सर ये इम्पीटस की मतलब फैमिली की तरफ से बहुत हमारे लिए बहुत सपोर्टिव चीज थी कि COVID-19 के इतने टफ टाइम में भी हमारे को पूरा सपोर्ट रहा सबका। बिल्कुल सही बोला नमित, मैंने आपने खुद भी फील किया। और मैं ये जो सेशंस ले रहा हूँ, जो लोग ये सेशन सुन रहे हैं, सब ध्यान रखें कि हर बच्चे की लाइफ जर्नी, सक्सेस स्टोरी बहुत अलग अलग होती है, और आप इन सेशंस को बहुत ध्यान से सुने। तो नमित, जैसे आपने फाइनल ईयर के साथ अपना ये इतनी अच्छी रैंक अचीव की, तो आपकी जो सक्सेस जर्नी है या निमसेट का, आपके मन में कब विचार आया, और आपने पहले पढ़ाई कैसे की, इम्पीटस से जुड़ने के बाद आपने क्या चेंज किया, और आपकी लाइफ की सक्सेस स्टोरी क्या, मैं चाहूंगा कि आप वो बहुत अच्छे से बताएं, क्योंकि आप फाइनल ईयर में थे और फाइनल ईयर के साथ जब बच्चे करते हैं तो बहुत बड़ा क्राउड, आपने अपने कॉलेज में भी फील किया होगा, कई लोग फाइनल के नाम पे कंप्रोमाइज कर लेते हैं कि नहीं यार अभी फाइनल है, अगले साल देखेंगे। और आप इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में रहे हो तो आई चीज आपने फील की होगी, तो आप क्या अपना मैसेज देना चाहोगे? सर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से हूँ, केशव महाविद्यालय से। तो सर मैंने अपने कॉलेज में भी देखा था, मतलब बच्चे कुछ होते हैं कि मतलब बहुत स्टार्टिंग से शुरू कर लेते हैं, पर सर मेरा ऐसा था कि मैं खुद सेल्फ स्टडी करूंगा और खुद से करूंगा। तो सर मतलब मैंने फिफ्थ सेमेस्टर जब हमारा समर ब्रेक खत्म हुआ, तो समर ब्रेक में था कि कुछ पढ़ेंगे, पर सर वही होता है कि एक डिसिप्लिन घर पे नहीं रह पाता, मतलब थोड़ा टाइम इधर उधर, मतलब बहुत मिक्सअप हो जाता है। तो सर ऐसे करते करते मैंने नोट करा कि फिफ्थ सेमेस्टर चल रहा है, पेपर्स आ गए और दिसंबर एंड आ गया। तो दिसंबर एंड आया तो मेरे को फील हुआ कि मतलब मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वो बहुत टाइम से कर रहे हैं, और कुछ ऐसे थे जो मेरे को कह रहे थे यार अभी इतना लेट हो गया है, अभी ज्वाइन मत कर, अभी तेरे से नहीं हो पाएगा, पेपर मुश्किल होता है, क्योंकि सर 2019 का पेपर थोड़ा सा टफ आया था कंपेरेटिवली प्रीवियस ईयर से। तो सर सबने ये बोला कि नहीं हो पाएगा। सर फिर मैंने आपकी YouTube पे वीडियोस देखी थी दिसंबर एंड के अंदर, मतलब क्रिसमस के बाद हमारा जब सेमेस्टर खत्म होता है, तो सर मेरे को लगा कि नहीं, आपसे आपने बताया कि सर दुगनी मेहनत करो तो तुम 6 महीनों को 1 साल में कन्वर्ट कर सकते हो। सर मैंने ये चीज मतलब आपकी सुनी तो मेरे को भी लगा, मेरे को एक मोटिवेशन आई, क्योंकि सर पहले मैंने बीटेक के लिए भी, मतलब जब बीटेक करना था तो IIT जेईई मेंस की भी कोचिंग ली थी, पर सर वो भी ऐसा ही था कि मतलब अच्छा ही स्टार्ट नहीं मिला। सर आपसे मैंने आपसे पर्सनली बात भी करी, तो सर एक मतलब मोटिवेशन आपसे भी मेरे को मिला, एक एनर्जी फील हुई, और मेरे पेरेंट्स ने भी मेरे को मोटिवेट करा कि नहीं ना तुम कर सकते हो। मैं मतलब पेरेंट्स को भी बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा कि उन्होंने भी मेरे को उस टाइम सपोर्ट करा। सर जब मैं स्टूडेंट थे कि हमारे को पेन ड्राइव भी मिला था और हमारे को लाइफ का एक्सेस भी मिला था। तो सर जब लाइफ का एक्सेस मिला तो धीरे धीरे चीजें और क्लियर हुई कि क्या मतलब जीरो हमारे डिग्री मिलती थी, उससे कैसे धीरे धीरे लेवल राइज करना है। सेकेंडली ये था कि जब मार्च का लॉकडाउन का टाइम आया, तो सर लॉकडाउन के टाइम पे ऐसा था कि मतलब सिर्फ मैथ बन जा रही थी, बाकी सब चीजों में बहुत दिक्कत हो रही थी, मतलब इंग्लिश कंप्यूटर और LR का सेक्शन बहुत वो था। फिर जब लॉकडाउन हो गया तो फिर ये थोड़ा सा डिमोटिवेशन भी हुई कि अब क्या होगा, कैसे होगा, छोड़ दें ना छोड़े। पर फिर आप जो हमसे कनेक्ट कर रहे हैं, सर मेरे को एक इंसिडेंट याद है आपका, आप घर पे भी पढ़ा रहे थे तो सर लाइट चली गई थी, तो सर आपने एक अपने हाउस हेल्प को माइक पकड़ाया और लाइट पकड़ाई कि आप क्लास ले सको। सर उस चीज ने मेरे को इतना मोटिवेट करा कि सर जब आप हमारे लिए इतना कुछ कर सकते हो लॉकडाउन में तो हम क्यों ना करें। और सर आप एक बात हमेशा कहते थे, अगर तुम्हें एनर्जी कम फील हो रही है तो तुम जो बाकी लोगों की होगी, तो तुम उन लोगों से अपने आप ही ऊपर निकल गए। तो ये आपकी कोई 3-4 बातें थी जिन्होंने बहुत अच्छे मोटिवेशन से भर लिया। तो सर उसी को मैंने मोटिवेशन सेटअप दिखा देते कि माइक पीछे लगा हुआ है, छतरी लगी हुई है, तो सर वो भी बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग था। सर लास्ट में अब अगर मैं एग्जाम प्रिपरेशन की बात करूँ, तो सर जैसे मेरी महाराष्ट्र CET के अंदर भी ऑल इंडिया रैंक 8 है, और DU MSC का मैंने पेपर दिया तो मेरी रैंक 15 है उसमें भी, BHU में भी 109 रैंक है। तो सर ये था, सर आपने हमारे को बस एक बार एक चीज बताई कि बेसिक पे वर्क करो, सर उसी ने मेरे को हेल्प करा, क्योंकि पेपर्स जो बेसिक सीख गया ना वो कोई भी पेपर बना सकता है। आप सर हमेशा बोलते थे कि यार सिलेबस मत देखो, जैसे अब JNU का पेपर भी था, कोई भी पेपर था, आपने बोला था अगर तुम NIMCET की तैयारी कर रहे हो तो तुमने सब चीजों की तैयारी कर ली है। सर उसी चीज ने एक तरीके से मोटिवेट करा। और सर जो लास्ट में हमारे मॉक हुए,
एक तो बहुत सारे मॉक और उनका बहुत सारा एनालिसिस जो आपने कराया, तो जैसे जैसे आप मॉक एनालिसिस कराते थे ना, आप भी ट्रिक पकड़ते थे। तो सर आप बताते थे कि चार ऑप्शन, जैसे ट्रिकों के कुछ क्वेश्चन होते हैं, वैल्यू रख के पता लग जाता है ये चार ऑप्शन में से ये तीन ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, सर उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड टिक करना शुरू किया, तो सर थोड़ा कॉन्फिडेंस और बिल्ड हुआ। सर फिर जैसे जैसे रैंक मतलब थोड़ी सी बिल्ड हुई, इम्पीटस के अंदर भी मतलब बच्चों में लगा कि हाँ नहीं अब थोड़ी रैंक अच्छी इंप्रूव हो रही है, तो सर और मन करा कि सर और मेहनत करेंगे तो और अच्छे से नाम आएगा। फिर सर प्रतीक सर की सुबह क्लासेस शुरू हुई 8 बजे, और फिर सर आप 11 बजे लेते थे, फिर 2 बजे हम टेस्ट देते थे, फिर 4 बजे वो, तो सर हमें मतलब लॉकडाउन का पीरियड ऐसा फील ही नहीं हुआ कि हम मतलब लॉकडाउन में है या कोई बाहर हो रहा है। आपने हमारे को इतना इन्वॉल्व कर लिया सर क्लासेस के अंदर और पढ़ाई के अंदर कि हमारा एक कनेक्ट आपसे और आप हमारा आपसे। सर आप जैसे बोलते थे कि आओ तो चाय पियेंगे और थोड़ी एक्सरसाइज, तो सर वो कनेक्ट भी मतलब बहुत ज्यादा फील होता था कि लगता ही नहीं था कि वैसे सर ये भी हमारा फर्स्ट टाइम आई गेस इंटरेक्शन होगा फेस टू फेस, तो सर आज तक मेरे को ऐसा फील नहीं हुआ कि मतलब मैं आपसे मिला नहीं हूँ या वो नहीं हुआ। सर ये एक आपने जो कनेक्ट दिया ना, इसने सर बहुत बूस्ट करा। और सर मैं अगर एक पर्सनल सजेशन दूं तो सर जो मॉक टेस्ट थे उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे से हेल्प करा है कि मॉक टेस्ट देने से ना हमारे को एनालिसिस का पता लगता है। तो सर उन्हीं ने मतलब जो मेरी बाकी जगह भी रैंक्स आई वो सिर्फ इन्हीं मॉक टेस्ट की वजह से, मतलब मैं खुद को बोलूंगा कि मेरे लिए तो जो था वो कोर मॉक टेस्ट ही था। बहुत अच्छी बात लगी नवित, मैंने आपका एक्सपीरियंस सुना, मुझे मजा आया। नवित क्या होता है, कई चीजें हमें बहुत मोटिवेट करती है, जैसे कोविड ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। जितना मैं पहले क्लास में पढ़ाता था, बच्चे पढ़ते थे, उससे कई ज्यादा मेरे मन में ही रहता था कि बच्चे घर पे बैठे हैं, वो फ्री ना हो, उन्हें एंगेज रखूं और इस नेगेटिव टाइम को पॉजिटिव कैसे बनाएं। और ये चीज आप सब लोगों ने प्रूव किया। आज जो आपके वर्ड है, मतलब मुझे जब आप लोग बोलते हो ना 6 महीने इक्वल टू 12 महीने, छोटी छोटी बातें, मुझे बड़ी खुशी होती कि आपके मन में वो बातें समा गई। और बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, हम आज वीडियो से चैटिंग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, पर जितने बच्चों से मैं कनेक्ट हुआ कभी मुझे ऐसा नहीं लगा वो बच्चा मुझसे दूर है। वो इनडायरेक्टली मैसेज, रोज के चैट, कॉन्टेक्ट, उन सबसे वो कहीं ना कहीं इंटरकनेक्ट था बच्चा। तो ये काफी काफी इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत अच्छी बात बोली। अच्छा, मैं ये सब आपका पूरा सेशन सुना, बहुत अच्छा लगा। तो आप उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे जो अक्सर लाइफ में, देखो आपका BHU में इतना अच्छा रैंक आया, आपका CET महाराष्ट्र में इतना अच्छा रैंक आया, IPU में रैंक आया, पर अल्टीमेटली और वो सबका रीजन मैं हमेशा कहता हूँ ना, अगर हम एक एग्जाम का बेस बना के पढ़ रहे हैं तो कोई भी एग्जाम हमारे लिए टफ नहीं है। तो ये बहुत खुशी की बात है। तो आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? सर जूनियर्स के लिए मेरा यही मैसेज रहेगा कि सर बेस पे वर्क करें, अगर वो सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो भी बेस पे वर्क करें। सर जैसे मेरे साथ एक थोड़ी सी मतलब घर पे डिसिप्लिन की प्रॉब्लम थी सर, तो वो मेरे से आपसे कनेक्ट करके दूर हो गई। तो सर जिनको लगता है कि वो सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं तो वो सेल्फ पे जाए, लेकिन सर अगर एक बार वो कनेक्ट करके पढ़े ना, सर जैसे आप बताते हो कि जैसे आपका योगा में भी एक बार वो नहीं बन रहा था, सर आपने भी उसके लिए योगा का सेशन ज्वाइन किया था, राइट? तो सर वो चीज होती है कि सर एक डिसिप्लिन सेल्फ से कभी कभी नहीं बन पाता, क्योंकि बहुत मोनोटोनस हो जाता है सर, हमारे लिए भी हो रहा था सर। यस सर, तो सर एक अगर कनेक्ट रहता है ना तो फिर एक चैलेंज सा लगता है कि हाँ सब कर रहे हैं तो फिर हम क्यों ना करें। और सर मतलब इम्पीटस मतलब ऐसा है कि मतलब फ्रेंड्स भी ऐसे फैमिली की तरह हम लोग इंटरेक्ट करते थे, कोई डाउट्स हैं, मतलब हमारा जो प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन टेस्टिंग का वो भी इतना अच्छा बना हुआ है कि हम हर क्वेश्चन के डाउट पूछते थे तो कोई ना कोई मतलब अपना रिप्लाई देता ही था सर। तो ये चीज भी मतलब बहुत अच्छी थी कि मतलब फ्रेंड्स कभी कभी ऐसा नहीं लगा कि मतलब कॉम्पिटिशन बहुत मतलब एक होता है कि हेल्थी कॉम्पिटिशन मिला हमारे को हमेशा, तो सर इस चीज ने भी करा। तो सर जूनियर्स को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि मतलब अगर वो डिसिप्लिन एक फॉलो करें, एक प्रॉपर ट्रैक फॉलो करें तो कुछ भी मुश्किल नहीं है सर। जैसे मेरा था कि मेरा इतना लेट स्टार्ट हुआ, जनवरी के एंड में मैं आपसे ज्वाइन हुआ, उसके बाद भी अगर मैं इतना कर सकता हूँ तो मैं जूनियर्स को भी सजेस्ट करूंगा कि अगर जब भी टाइम मिले तो वो उसी समय स्टार्ट करें, क्योंकि स्टार्ट करने के बाद ही हमें पता लगेगा हम कहाँ तक पहुंच पाते हैं। जैसे सर आप बोल रहे थे ड्रॉप का भी सोचना नहीं है, जैसे मेरा फाइनल ईयर था, यहाँ पे भी हमारे OBE थे, बहुत कुछ था, साथ साथ BHU का पेपर भी आ गया था। तो सर आप एक ही चीज बोल रहे थे, अभी तुम कुछ मत सोचो, सिर्फ पेपर से फोकस करो, ड्रॉप देना होगा तो वो बाद में देखा जाएगा, अभी तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है सर। बस यही चीजें कुछ थी सर, आपके कुछ टिप्स थे जिन्होंने मतलब मोटिवेट रखा हमारे को। सर साथ में मेरा इंटर्नशिप भी मैंने आपको बताया चल रहा है, तो सर उसके बाद भी मैं इतना एंगेज रहा कि मैं इतना कुछ अचीव कर पाया। सर इसके लिए आपको और प्रतीक सर को मेरा बहुत बहुत थैंक यू है, और सपोर्ट आपका मैं कभी नहीं। यस सर, नहीं नहीं बोलिए, आप बोलिए। सर आप लोगों का सपोर्ट ही था जो मैं इतना अचीव कर पाया हूँ आज। नमित बहुत अच्छी बात बोली, जैसे मुझसे आप बीच में कई बार पूछते थे, कई बार फाइनल ईयर के बच्चे भी पूछते हैं कि कर पाएंगे कि नहीं, मैं बोलता अभी फोकस अपना ध्यान मत हटाओ। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने पहले भी बोली बाद में भी, कई बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं और सेल्फ स्टडी से रिजल्ट भी आता है, पर कई बार सेल्फ स्टडी से हमारा वो मोटिवेशन, जैसे अभी बहुत सारे ऑनलाइन बच्चों ने जब ज्वाइन किया उनने अपने एक्सपीरियंस बताया, तो कई बार वो डिसिप्लिन या रेगुलरिटी मेंटेन नहीं होती। वो एक क्लासरूम या एक टीचर को हम पकड़ लेते हैं, हमने देखा है कि हमारे पूर्वजों में भी देखे हैं, हमारी हिस्ट्री यही है कि किसी एक को गुरु बना लो फिर उसके बाद आप उसको फॉलो करो, तो आपका एक मोटिवेशन और एक फोकस फिक्स हो जाता है।
तो वो एक चीज का फायदा डेफिनेटली मिलता है। और मैं हमेशा मानता हूँ कि अगर सेल्फ स्टडी से आपकी रैंक जो भी आ रही है तो एक प्रॉपर गाइडेंस उस रैंक को और इम्प्रूव कर देता है। तो समय रहते हुए सभी बच्चों को मैं ये बोलूंगा कि अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हो पा रहे हैं, रेगुलर आपकी पढ़ाई नहीं हो पा रही, तो इमीडिएटली एक्शन लें और पढ़ाई को बहुत प्रॉपर करें। तो नमित, आपसे बात करके बहुत मजा आया, आपके हर एक एग्जाम में इतनी अच्छी अच्छी रैंक आई, इसके लिए फिर से एक बार बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। अब आगे भी आप जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ें, खुश रहें, और अपने साथ वाले अपने जूनियर्स इनको भी हमेशा जीवन में मोटिवेट करें और आगे बढ़ाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर।